हेलो बच्चों, हम लोगों ने रियल नंबर फिनिश कर लिया है। ठीक है, रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक अपने खत्म हो चुके हैं देखो जरा एक बार फटाफट फटाफट एक बार उनको देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लिमा पढ़ा था हम लोगों ने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं वो देखा था। ये मैंने क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए थे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी क्लास में कराया था मैंने। ठीक, ये है यूक्लिड डिवीजन लिमा का स्क्वायर वाला क्वेश्चन। ठीक है, और एक ये भी मैंने करवा चुकी हूँ आपको एग्जांपल्स। ठीक, डेसिमल नंबर्स कराया था, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर कराया था, रूट टू इरेशनल क्यों होता है ये भी बताया था। ठीक है ना, ये रूट टू इरेशनल क्यों होता है, फिर रूट थ्री माइनस टू को इरेशनल प्रूफ करना, फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, अब मैंने ये कुछ क्वेश्चन जो है इसमें डाले हैं अपनी एक्सरसाइज में, ये आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। इनमें ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे टाइप छह वाले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें स्पेशली ध्यान देना कि ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादातर में एचसीएफ निकालने का होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टू टैंकर्स कंटेन 850 एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 850 और 680 का एचसीएफ निकालना है। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना, सॉल्व करो और देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक नंबर दिया है, वेयर एन इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो अगर एन ऑड है तो -1 के ऊपर, अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा 2 होगा तो क्या हो जाएगा, -1 × -1 कितना आता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये आएगा 1। ठीक है, अगर -1 के ऊपर यहाँ पे ऑड पावर है यानी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये कितना देगा, -1। ठीक है ना, तो याद रखना कि अगर -1 के ऊपर इवन पावर होता है तो वो हमेशा 1 आता है, और अगर -1 के ऊपर ऑड पावर होगा या माइनस कोई भी नंबर है ऑड होगा तो साइन जो भी नंबर आएगा उसके आगे माइनस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन क्या दिया था, ऑड इंटीजर दिया था। अब ऑड इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। है ना, इवन हो जाएगा तो देखो ये तो -1 ही रहेगा, ये इवन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इवन नंबर में क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। देन अब देखो 2n क्या हो गया था, इवन हो गया था, जहां n ऑड है, ऑड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन हो गया, और इवन में +1 करो तो फिर से ऑड हो जाएगा, तो ये 2n+1 क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। 2n क्या था, 2n इवन था, अब ये ऑड हो जाएगा अगर, तो -1 पे ऑड पावर तो कितना आएगा, -1। ठीक, अब 4n+1, अब बताओ ये क्या आएगा, 4 × n+1, चेक करो ये क्या आएगा, और उसके बाद मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के क्या आंसर कितना आएगा। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन आई विल इन्फॉर्म यू। राइट, ठीक, अब देखो ये इवन हो रहा है। ठीक है, 4n+1, 4n क्या हो गया, इवन हो गया, अब उसके ऊपर +1, बताओ क्या हो जाएगा और आंसर फाइनल क्या आएगा, मुझे आंसर निकाल के दिखाइए। ठीक है, अब वेदर फाइंड वेदर डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 13/64 इज अ टर्मिनेटिंग, तो ये क्या है, 13/64, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power कितना हुआ, 2 to the power 6। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर हो जिसके बेस में 2 to the power m × 5 to the power n का फॉर्म हो तो वो नंबर जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13/2 to the power 6.5 to the power 0, तो ये टर्मिनेट हो रहा होगा, डिवाइड करो देखो टर्मिनेट हो जाएगा, इसका आंसर निकालो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, देखो इसको 46 को ब्रेक करो। देखो अगर इस नंबर का कोई एक कॉमन फैक्टर आ गया, इसमें से अगर कोई एक कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है, तो वो कंपोजिट नहीं होगा। एक्सप्लेन वेदर दैट इज इट इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट, कॉमन फैक्टर आ गया तो प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो इसमें से एक भी फैक्टर निकल के आ गया तो अब ये इसको हम क्या लिख देंगे, 23 × 2, तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 13 × 23 × 2 + 23। अब एक ये टर्म है और दूसरा टर्म ये है पूरा, ये
ठीक है ना। अब इस टर्म में से और इसमें से 23 को कॉमन ले लो, तो 23 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 और दूसरी जगह क्या बचा प्लस 1। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ठीक, वहां क्या बचा प्लस 1। अब इस नंबर का एक फैक्टर 23 हो गया, जबकि किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर अदर देन वन वो खुद ही नंबर ही होता है, उसका और कुछ नहीं होता। अगर 3 है तो 3 का कोई फैक्टर नहीं होगा, तुम इसको केवल 3 × 1 लिख सकते हो, अदर देन वन कोई फैक्टर नहीं होता। बट इस नंबर का तो 23 एक फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो अभी से तैयारी करनी है बोर्ड्स की, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन करो। हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर लेंगे अभी इसी वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में 12 15 और 18 LCM इसका HCF निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पढ़ो इसको अच्छे से, क्या है 6th क्वेश्चन क्या है, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m माइनस 3 के फॉर्म में है, क्या करना पड़ेगा, पहले इसका HCF निकालो, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करो और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, द HCF ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम ऑफ देयर LCM जो है वो 14 टाइम है HCF का। तो अगर हम HCF को ले लें x, ठीक है, HCF को हम x ले लें, तो यहां से LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 14x। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600, मतलब 14x प्लस x इज इक्वल टू 600, तो 15x इज इक्वल टू 600, तो x इज इक्वल टू 600 अपॉन 15, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 40। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40, तो 14x कितना होगा, 14x निकालो, 14x हो जाएगा 560। ठीक है, अब हमको HCF मिल गया और LCM मिल गया। अब एक नंबर पता है, इफ वन नंबर इज 280 तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब अगर दो नंबर है, एक नंबर है A दूसरा नंबर B, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। ठीक है ना, HCF पता है, LCM पता है, एक नंबर पता है, दूसरा नंबर निकाल लो, फटाफट सॉल्व करो इसको जल्दी से। ठीक, अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 441 अपॉन 2 स्क्वायर ऑफ 5 टू द पावर 7, मतलब ये तो है सही, इतना तो सही है, बट साथ में एक 7 स्क्वायर भी है, तो 7 स्क्वायर अगर नहीं होता तो हम बोल देते कि ये टर्मिनेटिंग है, बट 7 स्क्वायर भी है, तो चेक करो कि 441 क्या 7 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड अगर हो जाता है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर का फॉर्म रह जाएगा, बट अगर डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब डिनोमिनेटर में 7 की पावर भी रहेगी, और जिसकी वजह से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। हमें चेक करना पड़ेगा होगा कि नहीं होगा, फटाफट इसमें से चेक करो, जरा चेक करके बताओ कि 441 डिविजिबल है क्या 7 स्क्वायर से, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, तो जब तुम चेक करोगे इसको तो 49 इंटू 9 हो जाता है 441, मतलब इस 7 स्क्वायर से 449 9 टाइम्स कट हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड होके टर्मिनेट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। ओके, और इसके बाद मैंने आपके लिए इसी में दो क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं, देख लीजिएगा इसको, ये वो वाले क्वेश्चन है थ्योरी वाले, एक बार देख के पढ़ के खुद से सॉल्व करिएगा, ना आए तो मुझे बताओ।
ये दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन को स्टॉप करो, क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करके देखो, नहीं आता है देख के सॉल्व करो, फिर भी नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करके दूंगी आपको, ठीक है। ये इरेशनल वाले हैं और ये चार एक्सरसाइज के लिए चार क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इतना काम आपको करना ही करना है, जब ये काम हो जाए फटाफट लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे बताओ कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मैं लाइट का डालूंगी, लाइट में मिरर तक का हो गया है, उसके आगे लेंस पढ़ाएंगे। तब तक ये वाला चैप्टर फिनिश करके रखो, वीडियो लेक्चर छोड़ो मत, कंटिन्यूअस देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे आप लोग तो आपको नया जो भी वीडियो आएगा उसका अपना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपके लेक्चर छूट जाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा टाइम पे। तो एक भी वीडियो, एक भी लेक्चर छोड़ना नहीं है, टाइम से पढ़ाई करनी है, बोर्ड्स है, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ना है। ओके, बाय बाय बच्चों।